हेलो दोस्तों, मैं प्रसन्न मत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी अभी जो कि है खबर मिला है कि जयराम महतो को जो कि हिरासत में लिया गया था उनको छोड़ दिया गया है। तो सभी को सबसे पहले हुई जोहार, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और एक कहावत तो बनता है दोस्तों कि टाइगर को कोई ऐसा पिंजरा नहीं बना है जिसमें कैद करके रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कोई गलती है नहीं है तो भाई क्यों कैद करके रखेगा कोई। पहला चीज यही है, जयराम भैया का कहना है अगर मैं कसूर हूँ तो हमको फांसी तक भी लटका दीजिएगी, ये भी उसका कहना है। अगर निर्दोष हूँ तो कोई कुछ नहीं ये कर सकता है, ठीक है। तो अभी अभी खबर मिला है कि जयराम भैया को जो कि है रिहा कर दिया है, जो कि मोतीलाल महतो उनका ही दोस्त है, उनका ही साथी है, उनके साथ ही रहते हैं। उन्होंने फेसबुक में पोस्ट किया है कि टाइगर जो कि है पिंजरे से रिहा हो गया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और दोस्तों, ये जो हेमंत बाबू, ये जो हम लोगों को छात्रों को डराने की कोशिश कर रहा है कि हमारे लीडर को पकड़ लिया तो सब छात्र डर गया होगा, ऐसा कुछ नहीं हेमंत बाबू, क्योंकि आपने जो ये गिरफ्तार किया इससे हम लोगों को बहुत ही एक सीख मिली। क्योंकि हम लोग वहाँ जितना का जितना छात्र आंदोलन में बैठे हुए थे सब हम लोग भाग गए थे। तो ये हम लोगों का फर्स्ट ये रहा है, क्योंकि इसलिए हम लोग भाग गए। लेकिन जयराम महतो ने हम लोगों को सिखाया गया कि अगर भाई गलतियाँ नहीं है तो भागना क्यों है, ठीक है, गलतियाँ नहीं है तो भागना क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग तो बहुत कुछ ऐसे भी सीखते ही हैं जयराम भैया से, और आगे भी सीखते रहेंगे। लेकिन ये भी एक बात है कि एक टाइगर को अगर आप गिरफ्तार कर लिए उसके लिए 100 टाइगर रेडी हो गए भाई लड़ने के लिए। क्योंकि झारखंड में आज तक हम लोग हमेशा लड़ते हुए आए हैं और आगे भी लड़ते हुए रहेंगे। और ये जो कि है उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो तो खैर वो लाइव में बताएंगे, ठीक है, वो उनका यूट्यूब चैनल में लाइव में आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अभी इतना है कि जयराम महतो को जो कि रिहा कर दिया गया है, ठीक है। अब ये वीडियो में देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो क्लिप है, ठीक है, एक वो फोटो कटिंग है, तो आप ये देख सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि दोस्तों, ना ना ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, ठीक हो, हाँ ठीक है, चलो उधर ढाबा हुआ हम रुके नाश्ता पानी कर लेंगे, ठीक है। तो नहीं पहले छोड़ दे लोग ये सब लाइक मैसेज डाल, हाँ बोल दो टाइगर, बोल दी टाइगर जयराम महतो जो कि गिरफ्तार हो गए थे, इसका आक्रोश रांची में ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड में। अब धनबाद की बात कर लें तो उधर उन लोग जो कि है मोड़, कौन सा मोड़ है, अभी हम न्यूज में देख रहे थे कि वहाँ उन लोग पूरा जाम कर दिया है। अगर अब टाटा बिष्टुपुर के बात करते हैं तो RIT मोड़ जो कि ठीक है, RIT मोड़ को भी ठीक है, RIT मोड़ जमशेदपुर को भी पूरा का पूरा जाम कर दिया है, उसका भी हम आप लोगों को जो कि वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। तो इस से दोस्तों झारखंड में कई प्रदर्शन किए गए, कई जगहों में आक्रोश दिखाया गया, कई जगहों में आंदोलन किया गया। जो रांची आ नहीं पाया था वो लोग अपना अपना एरिया में आंदोलन दिखाए और जो कि है बहुत ही समर्थन दिया। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोगों को लड़ते रहना होगा, क्योंकि अगर नहीं लड़ते रहे तो झारखंड एक ना एक दिन दोस्तों ये सलाह बाहरी लोगों के हाथ में जो कि आ जाएगा। और आप देख ही रहे, ये जो कि पुलिस प्रशासन है ऑन द स्पॉट कानून बनाता है कि 144 लागू है होने के बाद हम लोगों को हटने का समय भी नहीं देता है। कैसे लागू है भाई आपका, लागू रहता तो पहले से वोट देता, बताया जाता, लेकिन तुरंत वहाँ पे हम लोगों से बात करने के भी लिए भी जो कि है वो DM साहब रेडी था, लेकिन हम लोग सीधा सीधा बात करने के लिए नहीं चाहें, क्योंकि इस बार हम लोगों का फैसला जो कि है हेमंत बाबू से करना था, इसलिए हम लोग ने उनका जो कि है नहीं सुना। लेकिन उनका दिमाग में कहाँ आया कि ऑन द स्पॉट 144 लागू करके जो कि सबसे पहले हमारे जयराम भैया को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनको बेखूबी से पता है कि जयराम महतो ही हम सब छात्रों का एक मनोबल है जो सबको उत्साहित करता है। और ये आज हम लोग का बहुत ही उत्साहित किया गया, क्योंकि ये जो हम लोग डरते थे इस सबसे बहुत ही परे, बहुत ही पुलिस ये सब लाठीचार्ज उठा से बहुत सी साहस दिया गया हम लोग को। तो इतना ही
हम बोलते हैं चलिए जवाहर झारखंड, जय झारखंड। लड़ाई हमेशा होता रहेगा और लड़ाई में भरपूर लड़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।